तो इसके हेडलाइट की यूनिट में पानी चला गया था बरसात के टाइम, पता नहीं कैसे इसमें, तो इसका हेडलाइट यूनिट मैंने खोल रखा है, सिंपली खुल जाता है, ये दो नट से खुल, इधर दो नट और इधर के तरफ सेम एलन की के नट्स हैं, उनसे खुल जाएगा। मैं चेक बता दूंगा कितने नंबर का नट है वो जो खुलता है, जिससे तो एलन की से खुलता है। बाकी वायरिंग है सिंपल, आपको पहले एक मीटर की दो ये वायरिंग निकालनी है और एक साथ में ये वायरिंग, इसके अलावा आप चाहें तो आपका जैसे ये तो मैंने अलग से फिटिंग की है इसलिए ऐसा आ रहा है, नहीं तो आपके एक ये ग्रीन कपलर से ये खुल जाता है। इसके अलावा कुछ नहीं है, मीटर का कंसोल बाहर है, मीटर का कंसोल ऑलरेडी खोल चुका हूँ तो मैं आपको है वो दिखाता हूँ। इसके अंदर ग्लास के अंदर पानी आ चुका है, देख रहे हैं, ये बरसात के टाइम हाफ बाइक पानी के अंदर डूब गया था, जिसकी वजह से इस ग्लास में मिट्टी काफ़ी हद आ गई और यहाँ पर भी। इसको क्लीन कर लेते हैं, इसके लिए मैंने पूरा हेड खोल लिया है, बस ग्लास रखा है। वो कैसे करते हैं वो मैं दिखाता हूँ, तरीका इसमें ये पानी डाल दीजिए आप, डस्ट भी काफ़ी हो जाते तो इससे भी वर्क करेगा। फिर हमको क्या करना है, सैम्प भी यूज़ करना है, मैं इसमें पानी डाल लेता हूँ। इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट नहीं है तो डरने की बात नहीं है कि हाँ कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट होगा या कुछ होगा, क्योंकि बस ग्लास है, प्लास्टिक है, फाइबर है, तो शॉर्ट होने का चांसेस नहीं है। फिर हम इसमें क्या करेंगे,